गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल डू क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1st ऑन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी को यहाँ पर एक स्मॉल सी स्टोरी से एक्सप्लेन किया गया है, इसमें समझाया गया है। इस स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं, मंजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह ट्रेडर एक व्यापारी हैं, गिरीश राव स्टूडेंट हैं, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं और सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। इलेक्शन के दिन कांता और उनकी जो फ्रेंड सुजाता थी अपने वोट देने की टर्न का वेट कर रही थी। इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री। सुजाता, ये बहुत अच्छा है कि हम कंट्री के सभी सिटीजन्स की इक्वल हैं, वोट देने में सभी सिटीजन्स को इक्वल माना जाता है। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अप, यहाँ पर जैन साहब जो हैं वे भी इस लाइन में हमारे साथ खड़े हैं। यस, ऑन इक्वेलिटी, इक्वेलिटी समानता। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है, देश है। इन द क्लास 6th बुक वी लुक एट द की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लास 6th बुक में हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स को स्टडी किया था। दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन द रिजोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। इसमें पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन भाग लेने भागीदारी को बताया गया है, और रिजोल्यूशन के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, और इक्वेलिटी और जस्टिस न्याय और समानता को बताया है। इक्वेलिटी इज़ ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स। इक्वेलिटी डेमोक्रेसी का की फीचर, इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स, और सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वेलिटी। इस चैप्टर में आप इसके बारे में और अधिक स्टडी करेंगे। वॉट इट इज़, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, यह क्या है और ये डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया। लेट्स बिगन एंड लुकिंग एट कांता स्टोरी। हर कोई इंडिया में कौन से ऐसे रीज़न बताएं जिसमें इक्वल नहीं है, हम एक इसे कांता की एक स्टोरी से समझेंगे। जो नेक्स्ट और कैरेक्टर दिए हैं, अब्दुल रहमान जो कि आर्टिस्ट हैं, कारीगर हैं, शबनम बानो हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी कंसल्टेंट हैं, इसाक लैंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन हैं, योगराज अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी विल सी यू लेटर कांता, बाद में तुम्हें देखते हैं कांता, मिलते हैं। यस, नमस्ते साहब, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। गुड़िया जो है उसे काफ़ी फीवर हो रहा है और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट, कि मुझे साहब के घर पर अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट करना है, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उन्हें एडवांस के लिए कहना है। एट होम, अपने घर पर, एट होम हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, यह कुछ तुम्हारे लिए जो है इससे तुम्हें बेटर फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं इवनिंग में फिर से आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, तो तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। इसमें कुछ वंडर वाली बात नहीं है, क्योंकि जो गुड़िया है उसे बार बार बीमार होती है या उसे फीवर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बस्ती है वो क्लीन नहीं होती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कॉर्नर्स में अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। इक्वल क्लीनिंग का मतलब अच्छे से सफाई करो। इक्वल राइट टू वोट, वोट के इक्वल राइट। द स्टोरी अबाउट बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। जो स्टोरी है ये कांता से स्टार्ट है, जो कि वोट देने की वोटिंग के लिए जो लाइन्स है वहाँ खड़ी हैं। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर।
जो लाइन थी वहाँ पर उस कांता के एम्प्लॉयर अशोक जैन और छोटे लाल भी थे जो कि लाइन में खड़े थे। हर नेबर उनके पड़ोसी। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑल एडल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी एडल्ट हैं, जो भी वयस्क हैं, उन्हें चाहे वे कि उनकी एजुकेशन कितनी भी उन्हें मिली हो, वे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कास्ट बैकग्राउंड के हों, और यहाँ तक कि वो रिच हैं या पुअर हैं, सभी को इक्वल राइट्स वोट के दिए गए हैं। दिस एज़ यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास सिक्स बुक, जिसे आपने क्लास सिक्स की बुक में रीड किया था, इस कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है एंड इज़ एन एसेंशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, जो कि सभी जो भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी जो है उसमें एक एसेंशनल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट की फीचर इसका माना जाता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री irrespective to their wealth and the community he she belongs to has one vote। यहाँ पर equality को समानता इसलिए बताई गई है क्योंकि जो भी person है वे चाहे ही हैं चाहे she male हैं या female हैं और किसी भी community के हैं, rich हैं या poor, सभी को एक vote का अधिकार दिया गया है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता यह देखकर बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी वे कि उन्हें सभी की तरह इक्वल राइट्स वोट देने के मिले हैं। हेयर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। यह तुम्हारा एडवांस कांता जो उनकी मैम थी, उन्होंने उन्हें, क्योंकि वे कांता जो थी डोमेस्टिक वर्कर थी, उन्हें एडवांस दिया था और ये कहा था कि अब एडवांस लेना अपनी हैबिट मत बना लेना। बट एज हर डे गोज ऑन, जैसे ही दिन बीतता गया, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता इस इक्वलिटी के और कुछ अलग जो अर्थ थे वे देख रही थी। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता इंश्योर, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कांता जिनसे इंश्योर थी। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, हम उसकी लाइफ का डेली जो रूटीन है या जो डेली लाइफ है उसके एक दिन को देखते हैं। शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, वह एक स्लम में जो बस्ती में या झोंपड़ी में रहती है और उसके बस्ती की एक झोंपड़ी में रहती है जहाँ पर उसके हाउस के पीछे एक ड्रेन, एक नाला है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। जो कांता थी उसकी डॉटर सिक थी पर वे उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि उन्हें अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कुछ मनी एडवांस लेनी थी जिससे कि वे अपनी डॉटर को डॉक्टर के पास ले जा सकें। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्ड्स हर आउट, उनकी जो वर्क है डोमेस्टिक, क्योंकि वे वर्कर हैं तो ये जॉब उन्हें बहुत टायर्ड, बहुत थका देती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और उनका दिन फिर से एक लंबी लाइन के में लगकर खत्म हुआ। दिस लाइन इज़ फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यह जो लाइन थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी। इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, यह लाइन जो मॉर्निंग में लाइन थी उससे काफ़ी डिफरेंट थी क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइन में जो पीपल स्टैंडिंग थे, खड़े थे, वे काफ़ी पुअर थे, वे काफ़ी गरीब थे। जस्ट इवनिंग जो टाइम था उस टाइम का बता रहे हैं। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कुछ मिनट और बेटा। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। जैन मैम और जैन साहब जो थे वो वोट की लाइन में तो खड़े थे बट इस तरह की जो जब उनके बच्चे, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो सिक होते हैं तब उन्हें इस तरह की कोई लाइन में नहीं लगना होता। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, इसके साथ ही रिच और पुअर जो यहाँ पर ये जो इनइक्वलिटी बताई गई है इसके साथ और कौन सी इक्वलिटी है उसको यहाँ बताया है।
Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Kanta भी इंडिया के बहुत सारे जो पीपल हैं डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक इस जो हमारी कंट्री के पीपल हैं उनकी तरह हैं, जिन्हें कि इक्वल राइट मिले हैं वोट देने के, बट लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. जो उनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हैं वो इन सब से वोट देने का जो अधिकार है उनसे काफ़ी डिफरेंट है. अपार्ट फ्रॉम बींग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज. पुअर होने के कारण और भी ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके कारण इनइक्वलिटी इंडिया में है. लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. यहाँ पर हम टू स्टोरीज हैं जिससे हम इन मीन को समझेंगे. विच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ. ये पीपल्स के रियल इंसिडेंट्स से स्टोरी ली गई है एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. और इंडिया में होने वाली जो इनइक्वलिटी है, असमानता जो है, यह उन्हें रिफ्लेक्ट करती है, उन्हें शो करती है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. एक मोस्ट जो कॉमन इनइक्वलिटी इंडिया में बताई गई है वह कास्ट सिस्टम है. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया यू कास्ट इन आइडेंटिफाई आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग. अगर आप रूरल इंडिया में, अगर आप किसी ग्रामीण जो इंडिया में, अगर गांव के एरिया में अगर आप रहते हैं, तो आप इस जो इनइक्वलिटी है कास्ट को लेकर, उसे आपने वेरी यंग जो जब आप थे तभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप अर्बन इंडिया में शहरी क्षेत्रों में अगर रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. आप ऐसा देखते होंगे कि लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं. बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस. अगर आप अर्बन जो एरियाज़ में रहते हैं, तो आपने कास्ट सिस्टम को, आप इस एग्जांपल से यहाँ पर बताया गया है कि जो मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक एडवर्टाइज आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम को बहुत इम्पोर्टेंस फिर भी दी जाती है. इस तरह का इनइक्वलिटी की जाती है जिससे कि हम कितने भी अर्बन इंडिया एरिया में रहने वाले लोग होंगे, कितने भी एजुकेटेड होंगे, फिर भी इस चीज़ को वे मानते हैं. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. अब हमें इसका एक्सपीरियंस एक दलित चाइल्ड जो कि स्कूल अटेंड कर रहा है, इस स्टोरी से करते हैं. इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.